जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अब आप एलईडी बल्ब के द्वारा अपने खराब झालर के फ्यूज बल्ब को हजारों के बीच में आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका झालर कैसा भी हो, डिब्बी वाला हो या बिना डिब्बी वाला हो, एलईडी हो या नॉर्मल बल्ब वाला हो, तीन तारों वाला हो या पांच तारों वाला हो, आपके पास कैसा भी झालर हो, आप इस ट्रिक से आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके झालर में कौन सा बल्ब फ्यूज है और उस तरह से आप अपने झालर को ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ फटाक से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह एक एलईडी झालर है, ठीक है। लेकिन आपके पास कैसा भी झालर हो, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ एलईडी बल्ब से ठीक करने का, वह सभी में सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस झालर में केवल तीन ही वायर दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ तीन ही वायर दिया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही वायर में बल्ब लगा हुआ है और दो वायर खाली है। तो हो सकता है आपका झालर में दो वायरों में बल्ब हो, एक बल्ब नहीं जल रहा है, एक तार का नहीं जल रहा है। तो आप जो बल्ब नहीं जल रहा है, जो तार का, उसे आपको ठीक करना है। अगर दोनों नहीं जल रहा है तो दोनों को आपको ठीक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो झालर है उसे आपको दो भागों में बांट देना है। जैसे कि इसमें टोटल 40 झालर लाइट है, तो हम इसको 20-20 की डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 20 झालर इधर, 20 झालर इधर, ठीक है। जरूरी नहीं आपको बराबर ही बांटना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से आपको दो भागों में पहले बांट लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो बल्ब में आपको इस तरह से होल्डर में थोड़ा वायर लगा लेना है और एक एलईडी बल्ब फिट कर लेना है। तो यहाँ पर इसका सर्किट ड्राइवर आप देख सकते हैं। तो ये वायर इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट है। तो आउटपुट में आपको देखा होगा कि झालर लाइट का कोई वायर खाली रहता है, जिसमें बल्ब नहीं लग रहा था। तो इस वाले तार में आप देख सकते हैं, इसमें दो वायर है जो खाली है, जिसमें बल्ब नहीं लगा हुआ है। तो उसे आपको कट कर देना है। इसे आप न्यूट्रल समझे या नेगेटिव समझे या माइनस समझे, ठीक है। इस तरह से आपको कट कर देना है और इन्हीं तारों में आपको एलईडी बल्ब के किसी भी एक वायर को आपको जोड़ देना है। इससे क्या होगा, यहां से हमारा न्यूट्रल बल्ब में जाएगा और वहां से निकलकर हम पॉजिटिव में जोड़ेंगे, यानी कि बल्ब वाली तार में जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि कहां तक हमारा बल्ब सही है। अब यहां पर हमने दो भागों में तो बांट लिया है, अब यहां पर यह पता करना है कि कौन सा तार में बल्ब लगा हुआ है और जो तार में बल्ब वाली तार है उसको यहां पर से आपको कट करना है। आपको पूरी तरह से कट नहीं करना है, आप चाहे तो पूरी कट कर सकते हैं, लेकिन हम उसका जो तार है ऊपर कवर उसको ही निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह से कर लेना है, आप चाहे तो पूरी तरह से कट भी कर सकते हैं, आप बाद में टेप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर करना क्या है, बल्ब का जो दूसरा वायर है उसे यहां पर आपको जोड़ देना है। आप चाहे तो टच करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर सुरक्षित तरीके से रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर से जोड़ देना है। इससे क्या होगा कि अगर हमारे बल्ब झालर का इस साइड का बल्ब सही होगा, अगर इसमें कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा, तो यहां पर बल्ब का वायर जोड़ने से हमारा लेफ्ट साइड का जो झालर लाइट है वह जलना शुरू हो जाएगा, अगर इधर का सही रहेगा तो। अगर नहीं जलेगा तो ये समझ सकते हैं कि इधर का खराब होगा। तो चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, बटन को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमने जोड़ा तो इस साइड का लेफ्ट साइड का जो झालर है वह ग्लो कर रहा है, ठीक है। राइट से आपको कोई मतलब नहीं, आपको यहां से देखना है, लेफ्ट से देखना है, क्योंकि सर्किट से सप्लाई इधर से ही आएगा ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं इधर का लाइट ग्लो कर रहा है, इससे यह पता चलता है कि इस पार्ट में कोई भी एलईडी फ्यूज नहीं है, तभी तो जल रहा है ना। इस तरह से आपको पता लगाना है। अब जो भी समस्या है इस झालर की दूसरे साइड, यानी कि राइट साइड का जो भाग है उसी में समस्या है, ठीक है। तो आपको इसे पहले निकाल लेना है। अब यहां पर आपको टेप लगा देना है, ठीक है, जहां पर आपने कट किया था वहां पर आपको टेप लगा देना है। आपको पता रहना चाहिए कि आप कहां पर से कट किए थे। तो चलिए हम इसमें टेप लगा देते हैं और उसके बाद दोस्तों, जो जिस साइड का यानी कि जल रहा है उसको हमको ध्यान नहीं देना है। इस साइड लेफ्ट साइड का बल्ब जल रहा है तो हमें राइट साइड जाना है। राइट साइड का जो जितना भी झालर का बल्ब बचा हुआ है, अब फिर से हमें उसे दो भागों में बांटना है, ठीक है। अगर इधर का लाइट नहीं जलता, मान लो कि इधर का लाइट नहीं जलता लेफ्ट साइड का, तो हम इधर लेफ्ट साइड की तरफ जाते, यानी कि उसको फिर से हम दो भागों में बांटते, उसको लेफ्ट साइड के झालर को फिर से दो भागों में बांटते अगर नहीं इधर का जलता तो, ठीक है। लेकिन इधर का पूरी लाइट जल रहा है तो हम राइट साइड का जितना भी झालर बल्ब बचा हुआ है उसको इसे दो भागों में बांटेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले एक टेप लगाए थे छोटा सा, ठीक है। टेप लगाने से क्या होगा कि तार भी ढक जाएगा और हमें पता भी रहेगा कि यहां से हमने कट किए थे, ठीक है। तो यहां तक हमने चेक किए थे, इधर का सही है। अब जो बचा हुआ झालर का बल्ब है उसको फिर से आपको दो भागों में बांट देना है। आपको बराबर जरूरी नहीं है, आप एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, आपको अनुमान से दो भागों में बांट देना है। उसके बाद फिर से आपको जिस तार में बल्ब लगा हुआ है उसे इस तरह से कट कर लेना है और फिर से आपको बल्ब की उसी तार को यहां पर जोड़ देना है, ठीक है।
तो चले फिर से हम यहाँ पर सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें सप्लाई दे दिया, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, हमारा लेफ्ट साइड का बल्ब ग्लो, सभी झालर ग्लो कर रहा है और हमारा एलईडी बल्ब भी ग्लो कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ तक भी हमारा झालर लाइट का कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं है, ये हमें पता चलता है, यहाँ तक जल रहा है तो हमें ये पता चलता है। अब हमारे पास केवल कुछ बल्ब ही बचे हैं जिसमें फॉल्ट होगा, एक या दो एलईडी खराब होता है अधिकतर झालर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से टेप लगाएंगे और फिर से जिस साइड का बल्ब यानी कि बचा हुआ है उस साइड को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी समस्या है इधर ही है, ठीक है। तो फिर से बाहर करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको कट लगाना है बल्ब वाली वायर में और इस वायर को फिर से आपको जोड़ देना है। तो चलो तो फिर से हम इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ तक हमारा झालर जल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक भी हमारा झालर जल रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा लेफ्ट साइड का जितना भी हम चेक कर रहे हैं इधर का सब सही है। अगर उधर नहीं जलता, मान लो कि अभी नहीं जलता, तो पिछले कट जो हमने लगाया वहाँ तक जल रहा था और अभी कट लगाया वहाँ तक नहीं जलता, तो हम पिछले कट और अभी कट के दोनों के बीच में फिर से कट लगाते हैं, क्योंकि समस्या लेफ्ट साइड रहता है। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो झालर बल्ब है वह सभी ग्लो कर रहा है, तो हमें राइट साइड ही जाना है, जो बल्ब बचा हुआ है ना उसी साइड जाना है। तो यहाँ पर फिर से लंगार का आपको टेप लगा देना है और जितना भी बल्ब बचा है जिसमें सिर्फ चार बल्ब ही बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें का कोई बल्ब फ्यूज या खराब होगा, ठीक है। तो इसको हम दो दो बल्ब में बांट लेते हैं क्योंकि चार बल्ब ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर दो दो बल्ब बांटने के बाद फिर से बल्ब वाली वायर को कट करके यहाँ पर इस वायर को जोड़ेंगे, फिर से सप्लाई देकर आपको देखना है, ठीक है। तो चलो तो हम यहाँ पर फिर से सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बार हमारा लेफ्ट साइड का बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि इस लेफ्ट साइड का झालर पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड का झालर जो हमने पिछले कट और अभी कट लगाया है उसके बीच ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि पिछले कट लगाए थे वहाँ तक तो जल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर दो एलईडी के बाद अगला कट लगाया तो यहाँ तक हमारा झालर नहीं जल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि पिछले कट तक तो जल रहा था, है ना, और अभी जो हमने कट लगाए हैं इसके सिर्फ फासले में सिर्फ दो ही बल्ब आ रहा है, यानी कि इस दो बल्ब में ही फॉल्ट है, ऐसे आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर ये जो दो बल्ब है इसी में फॉल्ट है, क्योंकि हम पिछले कट तक हमारा झालर जल रहा है लेकिन अगले कट हमने लगाया तो वहाँ नहीं जल रहा है, यानी कि इन दो बल्ब में ही फॉल्ट है। तो हम दोनों बल्ब के बीच में फिर से लास्ट और आखिरी कट लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा। अगर आखिरी यहाँ पर हम कट लगाएंगे, अगर हमारा लेफ्ट साइड का जल जाता है तो राइट साइड का बल्ब खराब है, और राइट साइड अगर नहीं जलता है तो लेफ्ट साइड खराब, ठीक है। तो आप देख सकते यहाँ पर भी हमारा बल्ब, हमारा झालर नहीं जल रहा है। इससे यह पता चलता है कि पिछले बार हमने जो कट लगाए थे, यानी कि पिछले बार जो कट लगाया था जहां तक जल रहा था, उसके बाद जो एक ही बल्ब का फासला यहां तक है, यहां पर एक बल्ब के आगे हमने कट लगाए तो यहां पर नहीं जल रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि ये वाला जो बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ये ही खराब है, क्योंकि हमने जब पिछले बार कट लगाए थे जहाँ पर हम टेप लगाए थे सप्लाई वहाँ तक जल था, लेकिन यहाँ पर एक बल्ब के बाद हमारा झालर नहीं जल रहा, तो हम इस बल्ब को काट कर जोड़ेंगे क्योंकि फॉल्ट इसी में हमें समझ आ चुका है। इस तरह से आपको काट कर जोड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तो खराब है, हमें पता चल चुका है। अब इसके बाद जो बल्ब का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। अब बल्ब के साथ जो हमने यहाँ पर न्यूट्रल वायर, जो नेगेटिव वायर जोड़े थे उसको फिर से निकालेंगे और जो वायर पहले हमने काटे थे उसको वापस से इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब इसको हम यहाँ पर सप्लाई देकर दिखाते हैं आपको कि बल्ब का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो झालर है वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप, अगर आपके झालर में दो तारों में नहीं जल रहा है तो आप इसी तरीके से दूसरे तारों को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।